Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. Assalam alaikum. Walaikum assalam. Kya hal chal, time sir? सही है भाई, अभी काम से आ रहा हूँ घर को। खैरियत से आप? जी मैं खैरियत से हूँ। मोमिन अभी तक है क्या, निकल गए? फिलहाल तो हूँ भाई, थोड़ा डॉक्टर है लेकिन हाँ फिलहाल तो हूँ। क्यों क्यों अभी तक वो निकल जाओ ना प्यारे। एक मिनट, मुझे आप इस्लाम पे कितना डाउट लाए वो तो ठीक है, लेकिन एक मालूम हो गया कि मेरा मौलाना माजो है बल्कि मालूम हो गया, बस वो एक मालूम हुआ। ये वही है मेरे ख्याल से कि लास्ट टाइम जब मौलाना के पास गया था तो एक सवाल का जवाब दिया और दूसरे सवाल पे बोला था कि भाई अब टाइम हो गया जाओ, वही वाले हो ना? वही वही वाले, वही वाले। लेकिन आप पे एक बात का गुस्सा था भाई, वो दिन बोले मौलाना को पकड़ के लाए तो आप 5,000 का इनाम लगाए, ठीक है बोले। हाँ। उनके कॉल करने गया था, फिर उनके घर को आके बैठ गया मैं, उन्होंने एक आधी घंटा बैठे मेरे साथ, आप लिए नहीं भाई मेरे। अरे रे 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 रे, अभी लेके आ सकते हो? लफड़ा हो गया उनसे। सुनो सुनो टाइम साहब, मैं कह रहा हूँ उस दिन शायद दूसरे स्ट्रीम में थे इस वजह से आपको नहीं ले पाया होगा। ऐसा कुछ रहेगा ना तो प्राइवेट चैट में मेंशन कर देने का कि भाई मेरे साथ लगाया था भाई, मौलाना है लगाया था प्राइवेट चैट पे मैं। अच्छा, नहीं तो असल में कैसा है ना, वो अमित रहता है या साजिद रहता है ना, तो वो प्राइवेट चैट वो लोग देखते रहते हैं। मैं डिस्कशन के दौरान कैसा मेरा ध्यान फिर यहाँ वहाँ नहीं जाता, इस वजह से कभी कभार लगाया था मौलाना लाया हूँ, दो बार लगाया था आपने, एक घंटा बैठा फिर उन्होंने भी फजर के बाद आओ बोले तो मैं भी निकल गया था उधर से। तो मौलाना को बोलो पहले 5,000 का इनाम था, लास्ट टाइम नहीं ले पाए करके साहिल साहब ने 10,000 का इनाम कर दिया उनके लिए। अरे भाई उनके से लफड़ा हो गया, मैटर हो गया उनके साथ, क्या कहा जाऊंगे बस। मैं उन्होंने बोले अगले दिन फजर के बाद आके बैठो बोले, मेरे से बैठे हो बोले घंटा, मैं जाके बैठा। हाँ सर आपके जो क्वेश्चन आते ना पूरे टैबलेट उनको दिखता नहीं, तो पूरा टैबलेट लेके आके पूरा दिखाया उनको, टैब पे पूरा जूम करके दिखते उन्होंने पूरा दिखाया। पूरा दिखाने के बाद कुछ अरबी में बोलना शुरू हो गया, घंटे बाद अरबी में बोलना स्टार्ट। अब मैं सोचा कुछ तो बोल रहे मौलाना साहब, आंसर मिलेगा जाके बोलता हूँ बोल के सोचा। अरबी में बोल के उठ रहे, अब मौलाना साहब कुछ बोलो उसका मतलब मीनिंग तो बताओ, मैं अरबी नहीं बैगन भी नहीं आता, गलती से बैगन बोल के वर्ड निकल गया मुझसे, हैदराबाद में रहते हूँ। क्या हुआ कि पागल इंसान डंडा रहता उसके पास, घुटने पे देव मार दिया। पूरा मस्जिद देखा हुआ भैया, सही में क्या घुटने पे मारा छूटे इंसान, बहुत जोर से लगती थी। अब मैं चला गया कागर उधर बैठ गया। अरे लेकिन मैं पूछा गया उससे अरबी में, बता तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, तुम हैदराबाद में रह के ये सब रिस्क मत लो भाई, वो कैसा है वो फिर वहां पे फैलाना शुरू कर देगा तो आपके लिए बड़ा इशू हो जाएगा, समझ रहे आप? ठीक है मतलब अच्छे से पूछा था ऐसा, मैं आपके साथ नहीं पूछ रहा था, मैं इज्जत से पूछ रहा था उनके साथ। ओके लेकिन आप अभी तक है क्यों? अच्छा आपकी अल्लाह के बारे में पहले क्या नॉलेज थी, क्या आपको ये पता था कि अल्लाह के हाथ है पैर है अल्लाह का चेहरा है? जो इस्लाम का बेसिक था जो कॉन्सेप्ट था फॉर्मलेस, उसको आप उसको ही अपने मां ने कर दिया, आप मैं क्या बोलूं बताओ। एग्जैक्टली है ना, ये जाकिर नायक ये लोग कितना धोखा देते हैं। हाँ, मैं देखा था कल आपकी स्ट्रीम पूरा देख रहा था मैं काम करते करते, ये फोन लगा लेके सुना वो फैलसी का भी सुना था स्मार्ट में, इसको एक एक बंदा आया था उसका नाम भूल गया, उन्होंने सूरह अली इखलास का कुछ बताया था ना, मेरे पास वही था वही कोड था, मैं आपको ये बताएंगे सोचा लेकिन उन्होंने बता दिया और आप उसको डीबंक कर दिया, तो मेरा आके फायदा नहीं था मेरा। देखो ये मामले में ये जो टॉपिक है ये इतना शदीद डिफिकल्ट टॉपिक है रेफ्यूट करने के लिए मोमिनों के लिए कि वो कर ही नहीं सकते, और उनके पास ले दे के दो आयत है, कौन सी? एक तो ये है कि अल्लाह की तरह कोई नहीं, वो उसकी आयत क्या यार, ज़हन से इनकम्पेरेबल, हाँ मतलब अल्लाह जैसा कोई नहीं, कौन सी है यार अरबी उसका वर्ड मैं भूल रहा हूँ, लैसा का बिमिथली शय, लैसा का मिथली शय, ये वाली एक आयत है ठीक है, उसके मिसल कोई चीज नहीं, उसके जैसी कोई चीज नहीं, एक ये आयत है, और दूसरा कौन सी वाली, कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो ये है, लेकिन उसके जैसा नहीं है, हम भी ये नहीं कह रहे कि उसके जैसा है, लेकिन है तो सही, हाथ है तो सही, पैर है तो सही, हो सकता है कि हमारे सीधे होते हैं पैर, हमारे पैर नीचे होते हैं, हो सकता है कि उसके पैर ऊपर हो सर नीचे हो, हमारे जैसा नहीं है। समझ गया मतलब हमारे जैसा नहीं, कुछ अलग हुआ।
हमारे जैसा नहीं है, हमसे अलग है, मतलब उसके पैर ऊपर है और सर नीचे है ना। तो ये ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, जो लोगों को यानी मोमिनों के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा फिलोसोफर रहने दो, कितना भी बड़ा आलिम रहने दो, वो भाग नहीं सकते। इसी वजह से वो सीधा एक ही बात कहते हैं, इनके जो बड़े बड़े उलमा है या और अभी मैंने जो आर्टिकल बताया वो भी, और हमने कई बयान ऐसे सुने हैं, वो साफ कहते हैं कि भाई जितना बताया उतना मानने का, उस पे सवाल नहीं करने का कि कैसे, इस्लाम में अकल का दखल नहीं है, अकल का दखल नहीं है। तो टाइम साहब आप क्यों टिके हुए हो यार? अब पैदा हुआ भाई, क्या करेंगे बोलो। हाँ अब पैदा हुआ भाई, आप क्या करेंगे बोलो। आप तो पैदा तो हम भी हुए थे वहीं पे भाई, हम निकले ना। ठीक है, एक मुझे देखो मौलाना से तो पूछना छोड़ दिया मैं उनसे, मेरा एक दोस्त था मतलब अब्दुल अजीज बोल के, हाँ तो उन्होंने मदरसे में पढ़ा बचपन से, मेरे पापा के दोस्त के बेटे उन्होंने, तो उनसे मदरसे में जो पढ़ा ना, जो उनसे थोड़े टॉपिक दो तीन बोला उन्होंने मेरे को, अगर ये भी झूठ है तो ठीक है भाई इस्लाम से निकल जाता हूँ, अब तो नहीं जब मैं कमाने लग जाऊंगा ना तब से पक्का छोड़ दूंगा, बस दो तीन डाउट है। एक में तो उन्होंने बोले थे कि इस्लाम में ओजोन लेयर का कुछ बताए गए थे ना, मुझे हाँ एक मिनट अगर मुझे फूलिया ने कुछ आयत बताया था, अगर आपको पता है तो खोल दीजिए, नहीं तो मैं उनको पूछ के आता हूँ दो मिनट में। ये पहली बार सुना भाई ओजोन लेयर है इस्लाम में, किसको बता देते हो? उन्होंने बोले थे तो मैं चेक करा यूट्यूब पे, इधर आर्टिकल भी देखा था। हाँ चेक करके आपके आया तो ऐसी नहीं आया आपको। टाइम साहब नहीं, मामला ये है कि ये इतने बड़े चालाक होते हैं जो चीज, अच्छा ये बताओ कि इनको हमेशा तभी क्यों पता चलता है जब साइंस बता देता है, साइंस से पहले क्यों नहीं बताते हैं? कौन सा इनका आलिम है, कौन सा मुफस्सिर है पहले का, अल्लाह के रसूल है, जिन्होंने ओजोन लेयर के बारे में बताया? उसका काम क्या है? उनसे साइंस से पहले आया था ना भैया। एग्जैक्टली हाँ वही बोल रहा ना, तो पहले से लिखा होना इस पे उन पे। कहा भाई ओजोन लेयर चलो लिखा हुआ बता दो ओजोन लेयर। मुझे एक मुझे निकालना मत, एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ, दो मिनट एक मिनट आ रहा हूँ। ठीक है चलिए, जब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। अरे भाई मैच खत्म हो गया है तो पटपट आ जाओ, कहाँ रह गए आज? पीओ पीओ टुन नहीं होना लेकिन। अलजकुम कह रहे एडम वीरा आ गया, लव यू। कहाँ देख लिया भाई हमारे एडम साहब का कमेंटमेंट आया क्या? मैंने देखा नहीं है, देखता हूँ अभी। श्रेयस शेट्टी भाई कह रहे यू शुड एडवर्टाइज दी एडवर्टाइज स्ट्रीम्स एंड वीड्स ऑन एक्स एज वी कैन इंक्रीज सब्सक्राइबर्स हियर ऑन यूट्यूब, दिस वे बैन विल नॉट हर्ट यू। हाँ अभी चालू है, बैन पे भी काम चालू है, नोटिस रेडी हो गया है, देखते हैं कैसे क्या होता है, अपडेट दूंगा मैं आप लोगों को। ब्लैक पिंक कह रहे यार कहाँ दिख गए यार इनको हमारे मुर्तद साहब, कमेंट में तो हमें नजर नहीं आए भाई। ऐसी इस्तकबाल कर रहे क्या आप लोग? फ्री डॉग कह रहे हैं यू लुक लाइक माई कट्टर मोमिन एक्स, योर वीडियो सेव्ड मी, थैंक यू फ्रीडो मैक। अंबरीश के निर्गुण निराकार ब्रह्मण ये नहीं कि कोई आकार या गुण नहीं है, बल्कि सारे आकार और गुण उसमें सम्मिलित है, इसलिए सनातन हर रूप हर अवतार की पूजा करता है। बल्कि मैं कहता हूं आज से जितने मोमिन हजरात है उनको भी जहां कहीं भी मंदिर दिखे उनको जाके वहां पे माता टेकना चाहिए और उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर मोमिन हजरात है आज की स्ट्रीम में जो हमने बताया है, उसके बाद आपको हर मंदिर में जाके जहां कहीं भी जो नजदीकी मंदिर है कल से जाके जो है ना वहां टोपी शोपी पहन के जाओ और कुर्ता पहन के जाओ, आंख में सुरमा लगा के जाओ और जाके वहां पे सर झुकाओ, क्योंकि उसको उसका प्रतीक ही मानो, क्योंकि हमने यहां साबित कर दिया फॉर्म है अल्लाह का, है ना? तो किसी भी फॉर्म में मान लो, क्या मसला है यार, भाई भाई बन जाओ, क्या दिक्कत है? अच्छा सर ओजोन लेयर वाली वो एक मेरे को शॉर्ट्स मिल गया है, मैं लगाता हूँ। उससे पहले स्वागत प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। फर्शी सलाम के साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों जाग जाओ, हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ गए। सलामुल मुता साहब। सलामुल मुता ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सर आपको मेरा मैसेज नजर नहीं आया सर, असल में वो नौरानी इतना नौरानी था कि आपकी आंखें चुंधिया आ गई, इस वजह से नजर नहीं आ रहा था आपको। आंखें चुंधिया गई भाई, क्या होता है ना तू बहुत सारे जो वर्ड्स बोलता है ना तो तू तभी का तभी तो समझ में नहीं आता, फिर वो किधर कुछ ऐसा रेफरेंस मिल जाता है, कोई वीडियो देख लेता हूँ तो समझ में आता है कि अच्छा एडम ये बोल रहा था। अभी वो पहले
जब इसी की थ्रोन की बात होती थी और कुछ ऐसा डिस्कशन होता था तो ये वर्ड यूज करता था, टुई है टुई है टुई है, तो मेरे को समझ में नहीं आता था क्या बोलता है। वैसे भी फिर बाद में पूछना पड़ता, फिर बाद में एक वीडियो मेरे को किसी ने भेज लिया और उसमें मैंने टुई वाला डायलॉग सुन लिया तो समझ में आया कि भाई टुई किसको बोलते हैं ये। शुक्र है तुझे पता तो लग गया। हाँ, वो वीडियो देखने के बाद पता चला टुई क्या होती है। सर, आंखें चुंदियाना ऐसे कहते हैं कि अगर आपकी आंखों में मैं तेज एलईडी की रोशनी फेंकूं तो आपकी आंखों में क्या होएगा, जो होएगा उसे कहते हैं आंखें चुंदिया जाना। अच्छा, मतलब ब्लैंक हो जाना, ब्लाइंड हो जाना। हाँ, वो जो तेज रोशनी एकदम पड़ती है ना तो आंखें चुंदिया जाती हैं, ये वो लफ्ज़। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। जब आप फिर चिंगी पिंगी आंखें करके ऐसे ऐसे आंखें बंद खोल कर रहे होते हैं, नजर ही नहीं आ रहा होता आपको थोड़ी देर के लिए ना, उसे कहते हैं ये। वाह, आपकी बात फिर बिल्कुल सही है, मेरी आंखें जो है वो चुकिया गई थी, चुंदिया गई थी जिसकी चुंदिया चुंदिया चुंदिया। अच्छा, अभी श्री भाई कह रहे हैं चुंदिया जाना, गुड। अच्छा, ये टाइम साहब हमारे आए हैं, टाइम साहब ने अपने मौलाना को गाली वाली दिया है क्योंकि वो मौलाना ने जो है इनकी पिटाई कर दी कुछ सवाल वाल करने पे, तो इनका भी लास्ट डाउट है कि इन्होंने कहीं देखा है, पढ़ा है या सुना है कि कुरान में ओजोन लेयर बताया गया है। ये हादसा कब हो गया? ये शॉर्ट्स लेके आए हम साहिल भाई, ये जरा देख लेते हैं। हाँ देखो, उसमें म्यूजिक भी सीख ला हूं कुछ, बस क्योंकि सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमारी जमीन की हिफाजत करती है। इस हकीकत को कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अंबिया आयत नंबर 32 में कुछ यूं बयान किया है, वजअलना समा सक्फन महफूजा वहुम अन आयातिहा मुरिजून, और हमने इस आसमान को तुम्हारे लिए हफाजती हसार बनाया लेकिन लोग इन निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। हमारी जमीन के गिर्द एक ओजोन लेयर मौजूद होती है जो कि सूरज से आने वाली, उसमें ओजोन लेयर कहां से आ गया भाई? वाह 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 वाह। ये आसमान कंसीडर किसको कर रहा है, कहां से इनका आसमान स्टार्ट होता है, इसमें ओजोन कहां से आ गई? सर जी सर जी सर जी, आपको नहीं पता? नहीं पता, आपको नहीं पता ओजोन लेयर है? अरे यार, अरे आपको पता ही नहीं? नहीं नहीं सर, आपको पता ही नहीं। अच्छा, मेरे को मेरे को असल में अफसोस इस बात का हो रहा है इन मुसल्टो पे कि उन्होंने ब्रैकेट में ओजोन लेयर डाला क्यों नहीं अभी तक, वो भी डाल देना चाहिए था उनको। सर जी, असल में इस वजह से नहीं डाल सकते थे कि ये मुद्दा शुरू हो रहा है सर आयत नंबर 30 से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ देखिए सर, अब जरा ये अब देखना शुरू कर दें, ओजोन लेयर बिल्कुल सत्य साबित हो जाएगी आपको। सर, आयत नंबर 30 से शुरू होता है, कौन सी आयत है भला, याद आया? क्या देखा नहीं इन काफिरों ने, आसमान और जमीन बंद थे, ठीक है, समावाती वाला बिग बैंग थ्योरी वाली आयत से, आसमान और जमीन बंद थे। अब ये ओजोन लेयर और जमीन बनते क्योंकि सेम अरबी का वर्ड आता है आयत नंबर 32 में कि हमने आसमान को सक्कन कर दिया है। वाह, हाँ वही समावट है। ओजोन लेयर और जमीन बिग बैंग थ्योरी में बनते, अल्लाह ने बिग बैंग थ्योरी की पूरी दुनिया बना के ओजोन लेयर को निकाल दिया जमीन के अंदर से। बाय दिस लॉजिक, बाय दिस वेरी लॉजिक सर जी, हर अर्थ के गिर्द, हर अर्ज के गिर्द ओजोन लेयर होनी चाहिए क्योंकि ओजोन लेयर अल्लाह ने निकाली है। बिग बैंग थ्योरी की मां बहन एक हो जाती है दो आयतों के नीचे अगर इसको ओजोन लेयर लेते हैं तो। हां भाई, टाइम साहब सलाम अलैकुम। आदम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? मैं खैरियत से भाई, आप? फर्स्ट क्लास सर, आप से नहीं है भाई, वो व्हाट्सएप पे है ना, मेरी पटना मियां भाई बोल के रहता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें अब दिख रहा नहीं भाई ऊपर किधर गया के वो। ये बात नहीं, वो दिखा दिया, आप देख नहीं रहे थे, हमने दिखा दिया, वो ऑलरेडी शॉर्ट भी दिखा दिया, आयत भी दिखा दी, सामने स्क्रीन पे आया था शॉर्ट भी दिखा दी पहले उनकी, ओजोन लेयर सूरह अंबिया की आयत नंबर 32। हां ये वाला, ये वाला, हां राइट राइट, एंड वी मेड ए स्काई इफ प्रोटेक्टेड फीलिंग, राइट राइट, हां ये वाला स्काई, हां स्काई, स्काई किसे कह रहे हैं, आसमान को, राइट? हां आसमान, राइट। दो आयतें पहले ये समा और जमीन मिली हुई थी तो अल्लाह ने बिग बैंग थ्योरी की थी। ओजोन लेयर यहां पे भी लूं इसको, अवलम यर लजीना कफरु अन السماوات والارض, ये जुड़े हुए थे भाई। मैं स्क्रीनशॉट जो लिया ना उसमें क्या लिखा है, और स्क्रीनशॉट को छोड़ दो, वी मेड द स्काई ए प्रोटेक्ट बाय एंड प्रोटेक्टेड इट बाय अ सीलिंग, कांट दे सी। अच्छा भाई, अच्छा आई नो ओके। तो पहली बात तो ये है कि ये ओजोन के बारे में बात नहीं हो रही, करेक्ट, क्योंकि समावात का लफ्ज होता है आसमान, नॉट ओजोन लेयर, करेक्ट? हां
ओके, अब मुझे बताएं कि जितने भी मीटियर जमीन पे आते हैं वो अल्लाह की सीलिंग तोड़ के आते हैं ना, फिर जो जमीन पे जितने भी मीटियर्स गिरते हैं, मीटियर शावर जो जमीन पे होती है, जो जमीन तक आते हैं वो अल्लाह की सीलिंग महफूजन सक्कन, अल्लाह की रूफ को, अल्लाह की सीलिंग को, अल्लाह की छत को जो उसने लगाई है महफूज किस्म की, उसको तोड़ के आते हैं अल्लाह बड़ा या मीटियर्स, किसमें ताकत ज्यादा? भाई पहली बात तो जमीन को हिट नहीं करते, उससे हिट करने से पहले वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कितने आप बेवकूफ हैं यार, कितने बेवकूफ, जमीन को हिट नहीं करते तो वेपराइज होते ना भाई, बीच में बीच हवा में वेपराइज होते ना, कितनी कितनी बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हैं। अरे पूरा एडम साहब, ये जो डायनासोर वाला जमाना था वो तो इसी वजह से पूरा तबाह हो गया था ना सर, डायनासोर वाला जमाना भी हुआ था लेकिन क्रिएटर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मीटियर्स, ये जरा आप गूगल पे खुद सर्च करें और आपको पता लग जाएगा कितने कितने ज्यादा अभी तक क्रिएटर्स बड़े बड़े बन चुके हुए हैं। और ये देखें, मैं आपको दिखाया था, ये देखें, ये सर, ये अभी विकिपीडिया का आर्टिकल के यहाँ यहाँ दुनिया में कितने कितने मीटियर्स गिरे हैं, ये देखें, ये जो गोल गोल है, ये बड़ा क्रेटर है, ये छोटा क्रेटर है, बड़ा क्रेटर है, छोटा क्रेटर है, इंडिया के अंदर भी गिरा हुआ है ये सेंटर में, ठीक है, ये 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 ऑस्ट्रेलिया में कितने ढेर सारे गिरे हुए हैं, ये सारे मीटियर्स तो गिरे हुए और क्या, ठीक है, फिर भी इधर लिखा सा ना भैया सीलिंग बोल के, तो उसका मतलब क्या होगा भाई, मतलब ये होगा कि अगर एक भी गिरा तो अल्लाह की छत में सुराख किया कि नहीं किया, वो जो वर्ड बता रहा है ना कि महफूज किया, यानी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एडम साहब आपको बताना क्या चाह रहे, यानी आप सोचो कि आपको एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने आपके पास दावा किया कि मैं तुम्हारी छत इतनी महफूज बनाऊंगा कि कितनी भी बारिश आ जाए अंदर पानी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन एक महीने के बाद बारिश आती है और वो छत में से पानी टपकना शुरू हो जाता है जगह जगह से। अब ये बताओ कि उसका जो क्लेम था कि मैं तुमको एक महफूज छत बना के दूंगा तुम्हारे घर की, ये फेल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, समझे अभी क्या कहना चाह रहे, मतलब ये प्रोटेक्ट नहीं कर रही बोल रहे आप ये लेयर, हां सर, ये इतने ज्यादा क्रिएटर्स हैं यार, ये आपके ये देखें इंपैक्ट ऑफ द क्रिएटर्स ऑन अर्थ, ये सर ये जब आता है तो ये इस तरीके से जमीन के ऊपर आके बचता है, ठीक है, जमीन के ऊपर ओजोन लेयर, वंस अगेन ओजोन लेयर की वजह से ये नहीं होता, ये जो एयर है ना उसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स हवा में, छोटे जो छोटे मीटियर्स होते हैं ना वो हवा में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर जो है वो आप कह लो फुटों के हिसाब से बड़े बड़े क्रिएटर्स आके गिरे हुए हैं, और चंद क्रिएटर्स जो कि गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनका जो खड्डा है, उनका खड्डा ही तकरीबन आधे किलोमीटर जितना गहरा खड्डा है, इतनी जोर से आगे गिरा कि आधे किलोमीटर का खड्डा बन गया अंदर, सर ये तो रियल है। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो, लिखा है सर इधर तो इधर, हां किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो भाई, जब प्रोटेक्शन बोल दिया तो इट हैज टू बी प्रोटेक्शन, हां भाई, लेकिन अब देखो भाई प्रोटेक्शन बहुत किस्म के रहते हैं कि अब बुलेट प्रूफ है तो बिना पानी से बचाया ना, ऐसा बोल रहा हूं, अल्लाह ने क्या बताया किससे प्रोटेक्शन, अल्लाह की प्रोटेक्शन किससे है, किसे भी नहीं बताया, तो फिर इसका मतलब है ऑल इन ऑल है ना, ऑल इन ऑल होना चाहिए ना, अल्लाह ने कहा था कि इल्ला क्रिएटर्स इल्ला मीटियर्स, अदर स्पेसिफिक कुछ दिया नहीं इससे बचा तुम बोल के, एग्जैक्टली, तो फिर इसका मतलब है कि मोहम्मद को तो नहीं पता। अच्छा दूसरी बात मुझे बताएं सर, एक बड़ी मजेदार बात आपसे पूछता हूँ, ये जो छत है ये अल्लाह ने कहा है कि सीलिंग है, सीलिंग किसी चीज पे खड़ी होती है, राइट, समझा नहीं फिर से बोले, जो छत होती है, छत वो किस चीज के ऊपर होती है, या तो पिलर्स के ऊपर होगी या दीवारों के ऊपर होगी, राइट, पिलर्स का पता आप किसे कहते हैं, सतून, पिलर्स पता है, खंबे, कुछ भी खंबे, ओके खंबे, तो अल्लाह की छत किस चीज पे खड़ी है, नहीं मालूम भाई, आप क्या भाई प्यारे, छत किधर की भी आप ले लो, कोई भी छत ले लो, वो छत किसी ना किसी सपोर्ट पे खड़ी होती है ना, मालूम हो गया मेरे को, अब मेरे को नहीं मालूम कि किस पे खड़ा अल्लाह का सीलिंग, अल्लाह ने कहा है कि उसकी छत पिलर्स पे खड़ी है, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते, क्यों सर, हाँ इनविजिबल पिलर्स, राइट, इनविजिबल पिलर्स में खड़ी है ना, अब मुझे बताओ कि कितनी बोंगी है ये
छत कहीं पे खड़ी होती है, किसी सीलिंग पे खड़ी होती है, किसी किसी उसके ऊपर खड़ी होती है? हाँ छत खड़ी होती है ना, खड़ी होती है तो छत खड़ी होती है ना भैया। हाँ तो इसका मतलब है कि हमारी जो छत है, आसमान की छत जो है, ये भी कुछ पिलर्स पे खड़ी है, लेकिन तुम नहीं देख सक रहे। हाँ भाई खड़ी है नहीं खड़ी है? अगर मुझसे पूछे तो नहीं खड़ी है, लेकिन अगर आप कुछ बता रहे ना चार पिलर्स पे खड़ी है बोल के आप। हम नहीं बता रहे, कुरान बता रहा है। हाँ अल्लाह क्या कहते हैं, खलक समावात, उसने छत बनाई, आसमान बनाया, बगैर आमदिन ऐसे पिलर्स जिनको देखा नहीं जा सकता। He created heavens without pillars that you see, without pillars that you see. ऐसे pillars जिनको तुम देख नहीं सकते। अच्छा हाँ, invisible pillars समझ लो। हाँ जी, invisible pillars पे खड़ी है अल्लाह की छत। तो ये कैसी बात है कि अल्लाह की छत invisible pillar पे खड़ी है? साइंस के तो सर माँ बहन एक कर दी है अल्लाह मियाँ ने। Invisible pillars पे खड़ी है and has cast into the earth firmly set mountains. जब जनाजा उठता है तो सर आप क्या पढ़ते हैं? सर जब जनाजा उठता है तो क्या पढ़ते हैं? कभी नमाज जनाजा के साथ गए आप? साल भाई टाइम भाई गया, ए, हो गया डिस्कनेक्ट हो गए होंगे शायद, आ जाएंगे। लेकिन ये तो है, टाइम भाई भी जो है ना वो ऑलमोस्ट निकल गए हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्रह्म राक्षस भाई हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म राक्षस भाई इस्तकबाल है आपका, स्वागत है। साहिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सीसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इसलिए जोड़ना बहुत आवश्यक हो गया। ये जो आयत बता रहे हैं प्लीज उसका ट्रांसलेशन दे देंगे हमको एक बार? कौन सी वाली? पिलर्स वाली जिसमें ये ओजोन दिखा रहे हैं, 21 की 33 सूरह अंबिया की 32 है। हाँ उसमें यही है ना, आसमान को बनाया महफूज छत, राइट। तो मेरे प्यारे भाई सबसे नीचे वाले आसमान में ये भी आयत मिल जाएगी कि सबसे नीचे वाले आसमान में तारे लगाए हैं। ओजोन में कौन से तारे लगे हैं मेरे भाई? यहाँ पे नीचे वाला आसमान नहीं ना लिखा हुआ, ये एक बहुत हाँ, यहाँ पे गेम डाल सकते हैं वो जो गेम डलती है मैं हाँ, हाँ, वो असल में जब कोई बताता है, जब हम उसके साथ उस लेवल पे जाते हैं ना, तो ये मैंने खेला हुआ है बहुत पहले साहिल भाई के चैनल पे, ठीक है। जिस बंदे ने 7 परतें बताई थी, देखें ये हर जगह पे वो डालने की जरूरत नहीं होती, आपको ढूंढना पड़ता है बंदे वो वाला मौका जो वो वाला बंदा बात करेगा। अब एक बंदा आया था, उसने कहा था कि भाईजान अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं। मैं कहा ओके बेहतरीन। तो उसने कहा था जो 7 आसमान है ना, ये असल में जमीन के ऊपर 7 लेयर्स ऑफ द स्काई है, एटमोस्फेरिक लेयर्स है, एटमोस्फेरिक लेयर। साहिल याद आया? याद है। वहां पे हाँ वहां पे आप ये आयत खेल सकते हैं कि भाई जान लोएस्ट लेवल में जो है ना सितारे हैं, तो इसका मतलब है सबसे लोएस्ट लेयर के अंदर सितारे हैं। यहाँ पे नहीं खेल सकते, यू नीड टू सी कि वो क्या प्रेजेंट कर रहा है। सो इट डिपेंड्स कि अगले बंदे की प्रेजेंट क्या है, 7 लेयर क्या खाली है, इसमें समा शब्द है या नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। सर समा शब्द जो है वो हर जगह पे कुरान में, जहां जहां पे आसमान सीलिंग की बात आएगी ना, वहां पे लफ्ज समा ही है और कुछ भी नहीं है कुरान के अंदर, कुरान एक ही लफ्ज है। लेकिन आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पहले ये आयत खोली उसने, अब मैं उससे 7 आसमानों वाली बात करूं, वो 7 आसमानों को साबित करे, फिर वो कह दे ये 7 आसमान जो है लेयर्स नहीं है, राइट, क्योंकि आसमान एक जेनेरिक लफ्ज है, राइट। तो फिर आप एक सर्कुलर मोशन में घुसेंगे। अगर आप घुसेंगे आप घुस लें, मैं नहीं घुसता। अगर आप घुसना चाहते हैं घुसें, मैं नहीं घुसता। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं नहीं घुसता, क्योंकि वो फिर घूमेगा, क्योंकि अगर नहीं आसमान एक जेनेरिक लफ्ज है, यहाँ पे सीलिंग की बात हुई है, वहां पे 7 आसमानों की बात हुई है, वो 7 गैलेक्सीज की बात हुई है, सो मेनी गोलियां, ठीक है। तो गोलियों पे गोलियां, तो आई डोंट गो फॉर गोलियों पे गोलियां जब तक के वो मुद्दा वो प्रेजेंट नहीं करता बोला। हाँ सही बात है, बिना मतलब के इसको जो है, एक सेकंड रुक जाइए मोहिन भाई, बिना मतलब के इसको कॉम्प्लिकेट करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मैंने इनके बहुत से आलिमों से साहिल भैया मैंने ये सुना है कि हर ऊंची चीज को मतलब के बहुत बड़े आलिम है जिनको ये बड़ी आस्था रखते हैं जिनके अंदर, उन्होंने कहा है कि हर ऊंची चीज को समा कहा जाता है, हाँ उसको साबित करने के लिए कुरान में शायद एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि आसमान से कुछ छूती हुई डालियां, तो वहां पे उस सुसरे ने कहा है कि देखो डाली को आसमान कहा जा रहा है। आई वाज लाइक नहीं, डाली को आसमान नहीं कहा जा रहा, डाली को आसमान नहीं कहा जा रहा, नहीं कहा जा रहा है भाई, ये वो बंदा कह रहा है। ये एक महावरतन चीज है, आसमान को छूती हुई डालियां, ये हम लोग आपस में भी बोलते हैं यार, ये बिल्डिंग तो आसमान को छू रही है, इट डजंट मैटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल आसमान और हम कह रहे हैं कि यार इतनी ऊंची के आसमान को छूने के करीब हो गई भी है। नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, देखो आसमान के साथ और जमीन के साथ लेके इतनी कंफ्यूजन है कुरान के अंदर कि आप एक बंदा ऑलरेडी कंफ्यूज है, उसको आप दूसरी कंफ्यूजन के अंदर डाल दोगे ना सर, वो बहुत घूमेगा,
सो लेट्स नॉट मेक हिम गो इनटू सर्कल. मैं नहीं कर रहा, इनके आलिम ट्राई करते हैं, ये मेरा आर्गुमेंट नहीं करते ना ब्रह्म राक्षस भाई. हाँ ये उनका आर्गुमेंट है, उसी को तो तोड़ने के लिए बैठे अपन लोग. एग्जैक्टली, मैं एक प्लेन एंड सिंपल थोड़ा सा एक पॉइंट बस देना चाहता हूँ, एक सिंक हमें समय दीजिएगा कि अगर समा से ये लोग वही समा लेते हैं और शब्द वही है, क्योंकि मैं अरबी नहीं जानता इसलिए मैं एक बार कंफर्म करने भी आया था कि अगर समा शब्द है और सबसे नीचे वाले समा में सितारे हैं, तो मेरे भाई ओजोन समा नहीं हो सकता क्योंकि ओजोन में सितारे नहीं है. मतलब उसके नीचे कोई समा होना चाहिए, ओजोन के नीचे वाली लेयर में सितारे होने चाहिए. कुरान ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है अगर आप ओजोन को समा बनाने का प्रयत्न करते हैं तो. मेरा लेकिन अब आप मुझे, अब आप मुझे ये साबित करें कि ये समा जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में समा कहा गया. नाउ दैट्स वेयर यू विल हैव अनदर प्रॉब्लम. ट्रू, किस कॉन्टेक्स्ट में समा कहा गया, तो वो कॉन्टेक्स्ट, अब वो कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं ले रहा, मैं उसको नहीं ले रहा, मैं उसको यही वाला ओपन हैंड देंगे उसको कि तू क्या लेता है. तो देखिए अब आप बताए ना, आप मुझे कह रहे हैं कि इसको समा ही लो, यानी एज ए स्पेस जो हमारे गिरद है. लेकिन वंस अगेन ये स्पेस एक लेटर ऑन लफज है, राइट. अर्ली साइंसेस के अंदर स्पेस साइंसेस के लफज नहीं थे, इंग्लिश डिक्शनरी में भी नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो यानी मेरा मतलब तब तक स्पेस का लफ्ज याद हो गया होगा. तो वंस अगेन आप मुझे 14 साल पीछे जा रहे हैं. अब आप मुझे यही कहेंगे ना कि यार वहां पे स्पेस का कोई टर्म नहीं था. नाउ आसमान को दोनों हिस्सों में लिया गया है, स्पेस के जमने में भी और जमीन के ऊपर वाले आसमान के रमजे के अंदर भी, क्योंकि हम ये कहते हैं ना बादल भी तो आसमान में है ना, सितारे भी आसमान में है. अब मुझे बताए बादल भी आसमान में है, सितारे भी आसमान में है, ये हमारी कॉमन लुगत का लफ्ज है, राइट. तो क्या सितारे आसमान में होते हैं, स्पेस में होते हैं? तो मेरा कहने का मतलब यही रह जाएगा ना कि फिर अगर बादल को वो मानते हो तो फिर स्पेस की बात करना छोड़ दो ना, क्योंकि फिर जो है जहां पे बादल होते हैं और जहां पे सितारे होते हैं बहुत अलग चीज है. मैं आपको पॉइंट समझ रहा हूं, आप ये कहना चाहते हैं. नहीं समझे ना, ये कॉमन वर्ड है. एक जलेबी है वो ये बनाई जा सकती है एडम भाई, इसमें मैंने खुद भी बनाई थी एक बार, जो है कि हमारे यहाँ मोमिन आ नहीं रहे थे तो हम लोग खुद ही जलेबी बना रहे थे. इसमें एक जलेबी ये बनाई जा सकती है कि ये जहां से ओजोन लेयर है धरती के ऊपर की जो पहली ट्रोपोस्फीयर है वहां से लेके जहां तक सितारे हैं उसको पहला समा मान लो, यही एक जलेबी बैठ सकती है, बाकी कोई दूसरी जलेबी नहीं है. और मैंने तो एक लेवल उठ के जलेबी बनाई थी कि जिन जो होते हैं ना वो बिना वो वाले वो होते हैं ना बिना धुएं वाले आग होती है ना, तो मैंने उसको जोड़ दिया था उसके साथ. ये जो आपका वो नहीं होता सोलर ब्लास्ट नहीं होता एडम भाई, अगर आपको याद आ रहा हो, मैं मेरे दिमाग से उतर गया एक्चुअली. तो उससे जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको बचाती है. सोलर रेडिएशन जो नहीं निकलती है, क्या कहते हैं सोलर विंड कहते हैं उसको. लेकिन हाँ, उसका ताल्लुक क्या है इन तमाम चीजों से? मतलब यही है कि फिर आप अगर उसको समा से ओजोन लेयर को समा करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर एक चीज ये बोली जा सकती है कि फिर वहीं सितारे भी होने चाहिए, या तो ओजोन लेयर जो है वो दूसरे लेवल का समा हो गया क्योंकि वहां पे सितारे तो है नहीं, या तो उसको फिर समा लीजिए मत. मेरा यही पॉइंट है सिर्फ, क्योंकि सितारों की अगर आप पूरी डिस्पर्जन तक जा रहे हैं, बाकी एक ही जलेबी आ सकती है कि सब कुछ एक ही समा है, दूसरा समा आपने कभी देखा ही नहीं दूसरे लेवल वाला. जी एडम भाई, आई विल नॉट एंटरटेन दिस वे ऑफ आर्गुमेंट. आई विल नॉट, मैं पर्सनली इस एंगल के आर्गुमेंट को एंटरटेन नहीं कर सकता हूं. आप करना चाहते हैं तो कभी करके देख लीजिएगा. आई विल नॉट एंटरटेन दिस आर्गुमेंट. नहीं नहीं, परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि इसमें जलेबी काफी बन सकती है. आई गेट योर पॉइंट, आई एग्री विद दैट. हां भाई, टाइम साहब कुछ आर्गुमेंट बचा है इस पे या फिर मैं दूसरे कॉलर को लेता हूं? नहीं, मेरी आवाज परफेक्ट आ रहा क्या? वो आ रही परफेक्ट आ रही. सुना था भाई, ठीक है भाई, गलती से दिख रहा. क्या गलती से दिख रहा? तुम घुमा फिरा के ठीक है गलत बोल रहे, मतलब गलत दिखा रहे, गलत हो जाना आपके पास आए तो. ठीक है, एक और पूछूंगा, एक लास्ट पूछूंगा और एक. कितना स्वीट है यार, न ऐसी बातें किया गया. लास्ट, इसके बाद फिर इसका जवाब मिल गया तो निकल जाओगे? हाँ, मतलब अब मन में से, मतलब दिल से तो निकल जाऊंगा. हम ये नहीं कह रहे कि जाके ढिंडोरा पीटो, दिल से छोड़ दो और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको इस कल्ट में मत रहने दो. दैट यू नो दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन डू. ठीक है उस्ताद, एक और एक ही छह लास्ट. हाँ, जो समुंदर रहता ना भाई,
सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, ये तो कितने बार कभी मिलते नहीं बोल के। हाँ हाँ बोल 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 साहिल भाई, बाय बाय, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रह्मा। फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर कभी मिलते नहीं उनके बीच में, एक मतलब एक दीवार की इनविजिबल दीवार है, कभी मिलते नहीं बोल के लिखा जाता है रसूल अल्लाह। अच्छा क्या तुम्हें लगता है कि फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर कभी नहीं मिलते? जब जब रिवर में फ्रेश वाटर होता है राइट, और समुद्र में सॉल्ट वाटर होता है, हर रिवर समुद्र में आगे गिरता है, तो क्या वो समुद्र के पानी में मिक्स नहीं होता? होता है, लेकिन मतलब जो मैं जो फोटो आर्टिकल में जो फोटो देखा था ना उसमें मतलब फोटो तो नहीं थे, अलग दिख रहा था। लेकिन सर नहीं, वीडियो भी था भाई। हाँ, दो डिफरेंट डेंसिटी के वाटर्स जब एक दूसरे के पास आएंगे, दो डिफरेंट डेंसिटी के, ठीक है, तो उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो मिलते जाएंगे। इधर लेफ्ट साइड के ऊपर एक डेंसिटी का वाटर, राइट साइड पे एक डेंसिटी, और वे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, हर वक्त मिल रहे हैं, एवरी टाइम मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे मजीद और मजीद पानी आता जा रहा है, एवेपोरेट भी होता जा रहा है और आता भी जा रहा है, और उस जगह पे आगे मिलते भी जा रहे हैं, तो दे आर ऑलवेज देयर। और दो पानियों को आप कभी भी रख लो, वो मिलते रहेंगे, चलते पानी है। तो ये भी गलत है क्या? क्या मतलब, आप खुद बताओ ना, गलत है कि नहीं? मैं जो वीडियो देखा था उसको देखे तो वो सही दिख रहा भाई, यार मिल रहे थे वो पानी यहाँ देखे तो। ये बताइए कि आपने कभी देखा है बर्जख, बर्जख का वर्ड यूज हुआ है राइट कुरान के अंदर, राइट? बर्जख कहते हैं एक एब्सोल्यूट किस्म के एक पार्टिकल को जो दो हिस्सों को कभी मिलने ना दे, ठीक है, एक वॉल के टाइप। अब मुझे बताएं कि किसी भी जगह का दो वाटर मुझे दिखा दें कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ ना मिलते हो, किसी भी मतलब जगह। अब होटल हो क्या? हाँ मतलब होटल हो क्या आर्टिकल का? अरे फोटो मेरे पास भी है, गूगल पे भी मिल जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो फोटो वो मिल रहे हैं इवेंचुअली, वो हमेशा इवेंचुअली मिल रहे हैं, मुसलसल मिल रहे हैं, लेकिन मुसलसल पीछे से पानी आता जा रहा है। अगर उनमें पीछे से पानी बंद कर दोगे तो फिर वो आपस में मर्ज हो जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन उनमें मुसलसल पीछे से पानी आता जा रहा है ना। अगर वाटर को स्टील किया जाए तो मिल जाएंगे, ऐसा बोल रहे ना आप? नहीं हाँ भाई, वाटर को मतलब जो फ्लोइंग है ना उसको रोक के एक स्टील लगाए तो मिक्स हो जाते, बोल रहे आप भाई? वो दोनों समुंदर है ना भाई, दबे दोनों ही सॉल्ट वाटर है। हाँ। तो मुझे ये बताओ दोनों सॉल्ट वाटर है ना? हाँ ओके। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ कुरान की जो आयत क्या कहती है, वो कहती है कि एक बहरेन है, देखो ये देखो मैं अब आयत से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आयत से समझो। वही अल्लाह जिसने दो बहरेन चलाए, यहाँ पे उन्होंने दरिया लिखा हुआ है क्योंकि उन्हें पता है कि बहरेन समुंदर डालेंगे तो गेम खराब हो जाएगी, हालांकि सी है, ठीक है, टू सीज, ठीक है, बहरेन, वन फ्रेश एंड स्वीट, वन सॉल्टी एंड बिटर, एक मीठा है खुशबूदार, एक खारा है नहायत कड़वा, इन दोनों के दरमियान एक मजबूत पर्दा और मजबूत आड़ बना दी गई है, बर्जख बना दिया गया। मुझे बताओ दुनिया में कोई भी समुन्दर का पानी, जब दरिया का पानी समुद्र में गिरता है वो इवेंचुअली उसमें मिलता है ना? मिलता है। ओके कोई भी समुद्र जब कोई भी दरिया जब समुद्र में गिर रहा होता है तो जिस जगह पे समुद्र में गिरता है उस जगह पे एक थोड़ी देर के थोड़े हिस्से में एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पे आपको समुद्र के अंदर भी फ्रेश वाटर मिलेगा, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो मिक्स वाटर मिलेगा, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको साल्टी वाटर ही मिलेगा, ऐसे ही होता है ना? तो इसका मतलब है बर्जख नहीं है ना। फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड जब फ्रेश वाटर बहुतान में आ रहा है, स्पीड में आ रहा है, और वो एक खास एरिया के अंदर गिर रहा है, तो उस एरिया में हर वक्त मिक्सिंग हो रही है। अगर वो मिक्सिंग ना हो तो मीठे पानी बहुत ज्यादा देर तक भर जाए आगे, करेक्ट? थैंक यू। तो यही बात है भाई, हमेशा मिल रहा है, टाइम लग रहा बोल रहे हैं एक, ओके चले टाइम लग, ये कह लो मिक्स होने में टाइम लग रहा है लेकिन मुसलसल आता जा रहा है, लिहाजा एक एरिया ऐसा है जहां पे आपको वाटर मिल रहा है। अल्लाह को सिर्फ नजर आने वाली चीजें नजर आती थी क्योंकि मोहम्मद था ना, असल में तो देख मोहम्मद रहा होता था, तो मोहम्मद को नजर आने में जो चीज नजर आती थी वो बोल देता था कुरान के अंदर। लेकिन अगर आप उसकी साइंस के अंदर जाओ तो आपको पता लगेगा वो हर वक्त मिक्स हो रहे हैं, एवरी सिंगल सेकंड में मिक्स हो रहे हैं, लेकिन मजीद से मजीद पानी आता जा रहा है, तो लिहाजा वो एक खास एरिया है जहां पे वो मीठा वाटर है।
और वो खा दीजिए सॉल्ट वाटर, लेकिन वो हर वक्त मिक्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिक्स नहीं हो रहे, मिक्स होते रहे, मतलब अंदर अंदर मिक्स हो रहा है लेकिन ऊपर से दिखने में ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। साहिल साहब इनको प्लीज दूसरे तरीके से समझाएं सर, मैं क्या समझाऊं इनको। अरे समझ गया भाई, आप जो बोल रहे हैं वो फ्लो होते रहे, मतलब पानी आते जा रहा बोल के ऊपर ऊपर से दिख रहा अपन को बस, लेकिन अंदर वो मिक्स होते रह रहा बोल रहे आप, और मुसलसल हो रहे हैं। हाँ कंटिन्यूस होते रह रहे हैं। ये देखें, ये गल्फ ऑफ अलास्का की बात हो रही है जो आप लोगों ने पिक्चर अक्सर देखी है, यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं है सारा, ठीक है। और ये हो कह रहा है कि दो समुंदर हैं जो कि आपस में जब मिलते हैं तो उनका डेंसिटी फर्क फर्क है, वो आता है मिलता है, वो डेंसिटी और पीएच लेवल के डिफरेंस की वजह से उन्हें मिक्स होते हुए टाइम लगता है, वो हर वक्त मिक्स हो रहे हैं। ये जो आपको ये नजर आ रही है ना, ये स्पेस, ये हर वक्त चेंज हो रही है, इट इज चेंजिंग एवरी डे एवरी टाइम। ये तो बनाई हुई है, ये तो बोंगी है बनाई हुई है, असल में जो पिक्चर जो बनाई हुई नहीं है, एडिटेड नहीं है, जो तस्वीर है वो, ये देखें ये चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरीके से नीचे एक वो है जिसकी वजह से उसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इट इज कॉन्स्टेंटली मिक्सिंग, हर वक्त मिक्स हो रही है, हर वक्त मिक्स हो रहे हैं, ये नहीं है कि वो सेपरेट ही खड़े हुए हैं वहां पे, दे आर कॉन्स्टेंटली मिक्सिंग विद ईच अदर, हर वक्त एक दूसरे के साथ मिक्सिंग में चल रहे हैं, समझ लगा। तो कोई बैरियर नहीं है, ये तस्वीरें लेने के बाद में डाल देते हैं, वो सेपरेट ही रहे, बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे सेपरेट पड़े रहे, नहीं वो कॉन्स्टेंटली मिक्स हो रहे हैं, हर वक्त मिक्स हो रहे हैं, समझ लगी। आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ जाए, ये दो नंबर मारी हुई गधों ने, ठीक है। असल में कुछ ऐसा दिखता है तकरीबन ऐसा या ऐसा दिखता है, ऐसा थोड़ा सा फर्क है कलर का, कलर का हल्का सा फर्क है, भी एनहांस किया हुआ है, तो ये तो सर दो नंबर है और ये कॉन्स्टेंट मिक्स हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट मिक्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप खुद जाके देख लो वहां पे, कॉन्स्टेंटली मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर। और बाय द वे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कोई एक जगह है जहां पे ऐसा हो रहा है, नहीं देखो इस चीज को भी समझने की कोशिश करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कोई एक जगह ऐसा हो रहा है, अल्लाह ने असल में यहाँ पे इस चीज की बात नहीं कर रहा था अल्लाह, इन रियलिटी अल्लाह बात कर रहा है समुंदर और दरिया की, ठीक है। एंड ही इज हु, वही है जिसने दो तरह के दरिया चला दिए हैं, एक मीठा और एक नमकीन, और ये कभी मिक्स नहीं होते, क्यों? मोहम्मद का पता है दरियाओं का पानी होता है मीठा, और मोहम्मद का पता है समुद्रों का पानी होता है नमकीन, और समुंदर में दरिया का पानी आके गिरता है, फिर भी समुद्र का पानी रहता है नमकीन और दरिया का पानी रहता है मीठा। मोहम्मद को समझ नहीं आई थी कि होता क्या है, साइंस क्या है, साइंस ये है कि समुंदर से एवेपोरेशन होती है वाटर की, वो सॉल्ट एवेपोरेट नहीं होता, सॉल्ट समुद्र में ही रहता है, वाटर वेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, बादल ऊपर आते हैं पहाड़ों की साइड पे, वहां पे ठंडी हवा होती है, हवा ठंडी होती है, वो बरसते हैं, अब वो सिर्फ वाटर है जो बरसेगा, वो वाटर जब पहाड़ों पे गिरता है, वहां पे जड़ी बूटियां हैं, पहाड़ की चट्टानों के अंदर वो जड़े हैं, उनसे गुजर के वो मिनरल्स पकड़ता है, मिनरल्स की स्वीटनेस उस वाटर के अंदर आती है, वो फिर दरिया में आता है और आप उसे पीते हो, और वो दरिया फिर समुद्र में गिर जाता है, और समुद्र में फिर धूप पड़ती है, वेपोरेशन होती है, और वो फिर इस तरह साइकिल चल रहा है, राइट। मोहम्मद को नहीं पता था, मोहम्मद के ख्याल में एक बैरियर था, अल्लाह मियां ने एक दीवार बनाई हुई है कि समुंदर का पानी दरिया में नहीं आता, मोहम्मद को यह पता नहीं था कि ऊपर वाली साइड से वाटर हमेशा नीचे गिरता है, ऊपर से वाटर नीचे की तरफ जाएगा, तो पहाड़ों से वाटर आ रहा है, जमीन से चलता जाता है, इवेंचुअली ढलान वाली सतह यानी कि समुद्र में जाके गिरेगा ही गिरेगा, और ऐसा ही हो रहा है। मगर मोहम्मद के मुताबिक ये दो वाटर बॉडीज है और वापस मिल ही नहीं रही, वाह 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 अल्लाह ने किया, वाह 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 अल्लाह ने किया, और बैरियर बना दिया। वो जो एक खास तस्वीर है उसकी उसकी तरफ इशारा हो ही नहीं रहा, लोगों ने उसकी तरफ बाद बनाना शुरू कर दिया, नजर आ गया यार अलास्का रीजन के अंदर नजर आ गया कि यार इस तरह हो रहा है, जरा टाइम हो रहा है, तो ये टू बॉडीज ऑफ वाटर की बात हो रही है, अल्लाह के कुरान में दो बॉडीज है वाटर की, मीठे पानी की बॉडी और खारे पानी की बॉडी, और वो कभी मिलती नहीं है, ये बयान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक खास एरिया की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे वैसे, बाय द वे ये भी समझने वाली बात है, मैंने खास एरिया भी दिखा दिया, वो भी बोंगी है, वो भी हर वक्त मिक्स हो रही है, लेकिन कुरान की आयत है खास एरिया की बात ही नहीं कर रही, तो जनरल बात कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ एक जगह है खास किस्म की, यहाँ पे लफ्ज नहीं लिखा हुआ, समझ गया भाई अब जो बोलना चाह रहे, समझ गया क्या गुलाब भेजने बोल दू अभी,
ठीक है आपसे, और एक है कि कुछ एक एक अच्छी बात बता दो भैया कुरान से, एक एक कौन सी आपकी कौन सा अच्छा लगता है एक बता दो, कुछ तो होगा ना, एक इतने जना मांग रहे मान रहे इसको, एक तो होगा ना यार। अभी देखो तुम अपना स्टैंड चेंज कर दिए ना, ठीक है मैं मान लूंगा, कोई एक आपके हिसाब से कोई एक चीज भी नहीं है, एक चीज एक दिन का एक कुछ भी यार है, कुछ भी अच्छा बात है, बिल्कुल अच्छी बातें हैं जो चोरी की हुई है, चोरी का माल है मसलन, अगर अच्छी बातें हैं भी जो कि जेनेरिक बातें थी उस जमाने की, ठीक है झूठ ना बोलो जेनेरिक बातें है ना, हर कोई मानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अल्लाह कहता है झूठ बोल सकते हो अगर तुम्हारे ऊपर पिस्तौल टानी जाए तलवार टानी जाए तो फिर वंस अगेन आप झूठ बोल सकते हो, तो ये भी है। फिर अल्लाह कहता है कि दोस्ती करो, लेकिन फिर अल्लाह कहता है कि नॉन मुस्लिमों के साथ दोस्ती ना करो, तो अच्छी बातें हैं लेकिन वो खुद अपने आप को कट कर रही हैं, चोरी का माल है जेनेरिक अच्छी बातें कहीं भी है कुछ, लेकिन फिर वो अपने आप को कट भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि कुरान में कोई अच्छी बात नहीं है, हदीस में कोई अच्छी बात नहीं, मैं कई दफा कह चुका हूँ कुरान हदीस में कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन वो उस इलाके के नॉर्म थे, अच्छे नॉर्म, अगर उसको मोहम्मद अच्छे नॉर्म ना लेता तो मोरालिटी बिल्डअप ना कर सकता, लेकिन फिर इतनी बुरी बुरी बातें हैं कि अगर हम वो बुरी बातें निकालें तो आप कुरान के 70% कुरान को गायब कर दोगे, 70% कुरान गायब हो जाएगा, और फिर वो 30% के अंदर रिपीटेड बातें हैं, लेकिन वो रिपीटेड बातें भी एक दूसरे को तकरार कर रही हैं, एक जगह पे अच्छी है लेकिन दूसरी जगह पे उसको मर्ज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कुरान के अंदर बड़ी अच्छी आयत है मुझे बड़ी पसंद है, और दूसरों के खुदाओं को गाली ना दो, ठीक है अगर सिर्फ इतनी आयत होती तो बड़ी अच्छी होती, लेकिन वो आयत आगे भी चलती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बदले में तुम्हारे अल्लाह को गाली दे दे, यानी कि फिर तुम अल्लाह मियां तुम डर के ये बात कह रहे हो, फिर ये डर के हो रहा है ना, यानी कि डर का समा है अल्लाह को कि अल्लाह को अपने आप के ऊपर गाली खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए उसने कहा कि यार तुम उनके खुदाओं को ना गाली दो, कहीं वो मुड़ के तुम्हारे खुदा को गाली ना दे दें, ठीक है। अब अगर वो ये कहेगा ना सिर्फ उनके खुदाओं को गाली ना दो तो अच्छी आयत थी, मैं बस ये पहला पार्ट सुना था उसके बाद का ये सुना था मैं, मतलब जो बोलते ना हमारे को बस पहला पार्ट सुने थे, दूसरों के खुदाओं को गालियां ना दो, बस ये वाला सुना है, इसके बाद का सुना ही बोले नहीं कोई मेरे को इसके बाद का। अच्छा नहीं बोले, ये लो स्क्रीन पे लो, ये लो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है कि और तुम दूसरों के खुदाओं को गाली ना दो, ठीक है ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे अल्लाह को गाली दे दें इग्नोरेंस में, देखो तो फिर डर की बात है ना ये, तो अगर मैं बोलूंगा तो वो बोलेगा। हाँ भाई देखो अब हो क्या रहा है, डर का माहौल चल रहा है, अल्लाह को खुद गाली नहीं खाना, उसने कहा यार उनके खुदाओं को भी मोहम्मद दूसरे खुदाओं को गाली देता था ना, इसकी तफसीर में भी आता है मोहम्मद और उसके सहाबी दूसरों के खुदाओं को गालियां दे रहे थे, तो कुरान की आयत आ गई यार अभी हम छोटे हैं मजबूर हैं हिजरत नहीं हुई ताकत में ज्यादा नहीं है, तो भाई मोहम्मद प्लीज उनके खुदाओं गाली ना दो, अल्लाह को गालियां खानी पड़ रही हैं प्लीज। तो द होल आइडिया इज कि अगर सिर्फ ये होता जेनेरिक स्टेटमेंट डोंट अब्यूज अदर पीपल्स गॉड तो बात खत्म हो जाती, बड़ा अच्छा रहता, लेकिन आगे से अल्लाह कह रहे ओ कहीं वो तुम्हारे खुदाओं को गाली ना दे दे, तो फिर बकवास क्या, फिर डर का माहौल है ना, तुझे गाली नहीं खानी इस वजह तो गाली नहीं दे रहा क्योंकि अभी तेरे पास ताकत कम है, लेकिन बाद में जब तलवार आ गई तब का जाओ मारो काटो खत्म करो खुदाओं को निकालो, 360 बुत 360 खुदा थे उन सबको निकालो खत्म करो तोड़ दो, तो ये तो लेटर ऑन तो तोड़ भी दिया, गाली देना तो दूर की बात उनको पकड़ के तोड़ दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे भाई अच्छी बातें हैं लेकिन वो खुद अपने आप को खराब करती हैं। ठीक है भाई समझ गया, इस्लाम से निकल जाता हूं मैं भी, हो गया इससे और कुछ डाउट हो गया, इससे बढ़ के डाउट है नहीं मेरे को, सब डाउट क्लियर हो गए भाई के, होगा इनका इस्लाम में रहे को बस होगा, अब इनको समझ में आ गई चीजें, अब इन्हों निकल जाते और निकल गए के निकल जाते अभी भी निकल गया भाई गया लाइट ही चलो हो गया यार, सर फ्लावर मेन कांसेप्ट था फॉर्मलेस गॉड का, उसका अम्मा भाई ने कर दिया और इसका वो कर दिया अब कुछ दिख रहा भी नहीं मेरे को। चलो वाह भाई वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन टाइम साहब, काफी वक्त आप आए और पहले आपने दिफा करने की कोशिश भी की लेकिन फिर एडम साहब ने आपको हर मर्तबा बड़े अच्छे अंदाज से बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारा वक्त आपको दिया एडम साहब ने, और जो लोग ये कहते हैं कि एडम साहब अच्छे से बात नहीं करते, टाइम साहब जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल्स और भी है लेकिन रिसेंट एग्जाम्पल टाइम साहब है, बहुत टाइम दिया इनको एडम साहब ने और फाइनली आज हमारे टाइम साहब जो है वो बाहर निकल गए इस कल्ट से, बहुत बहुत मुबारकबाद, अभी आप अपने करियर पे फोकस करिएगा, खुश रहिएगा और आगे जो भी आपकी आपकी जो जनरेशन आएगी उसको इस कल्ट में घुसने मत दीजिएगा, ठीक है टाइम साहब? ठीक है भाई राइट, चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, ठीक है।